नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। इस सवाल को लेकर महीनों बीत गए हैं कि भारत और चीन के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसका अंत कब होगा, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि उस संघर्ष का अंत कैसे होगा। क्या कोई संकेत निकल रहे हैं? भारत अपनी तैयारियां बिल्कुल भी कम नहीं कर रहा है। चीन क्यों बातचीत की मेज पर आने के बावजूद बार बार अपनी तरफ से कोई उकसाने वाली हरकत कर देता है? आज लद्दाख से इन सारे सवालों का जवाब तलाशेंगे। संसद से उद्घोष उठा है, हार नहीं मानेंगे। मैं आपके माध्यम से देशवासियों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे आर्म फोर्सेस के जवानों का जोश एवं हौसला बुलंद है सभापति महोदय, और हमारे जवान किसी भी संकट का सामना करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। प्रधानमंत्री के मन से एक रोष उठा है कि रार नहीं ठानेंगे। सेना के जवानों के पीछे देश खड़ा है, संसद और सांसद सदस्यों के माध्यम से खड़ा है, पूरा सदन एक स्वर से देश के 20 जवानों के पीछे खड़ा है। चीन की सीना जोरी पर शौर्य की फिर से कहानी है। देखिए, भारत और जो चीन की सेना, इसका कोई तुलना नहीं है। जो चीन है, जो पीएलए है, उनके पास में कम्बैट एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है। लास्ट लड़ाई लड़ी थी 1967 में, वहां पे भी मार खाई थी। चीन को चकनाचूर करने के लिए बूढ़ी हड्डियों में भी रवानी है। मेरा के लिए चीन भारत सिपाही चाहिए मेरा को लाने के लिए। अच्छा, तब तो नहीं लड़ सकता है ऐसे, वो तो खुद चीन ने बताया था ये 62 में। हाँ, कि मतलब एक एसएफएफ के सोल्जर से लड़ने के लिए इनसे 12 चाइनीज लगते थे। हाँ, और तब भी नहीं कंट्रोल कर पाते थे। हाँ, तब तब हाँ हर जाता था। आपकी उम्र कितनी? मेरा उम्र 67। अपने आप को आज भी कितना फिट फील करते हैं? ना, अभी भी फिट है, मैं बिल्कुल फिट। अगर मान लो गवर्नमेंट ने मेरे को चांस दिया बॉर्डर में जाके लड़े करने, मैं 100% वॉलंटियर होगा। हर चीनी चाल पर देश चौकस है, तैयार है। चीन ने फिंगर फोर के इलाके में या फिर मालू कैंप के इलाके में लाउड स्पीकर्स के द्वारा हिंदी में भाषण देने या पंजाबी गीत लगाने का ठान ली है, जिससे कि उसे लगता है कि हिंदुस्तान की फौज का मनोबल गिर जाएगा, हिंदुस्तान की फौज अपने काम से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। चीन ये बौखला गया है, चीन को लगता है कि अब हिंदुस्तान की फौज उसे टक्कर देने के लिए तैयार है, तो वो घबरा गया है। तो ये इस तरह के हथकंडे अपनाना है। बातें हो चुकी, चालाकियां हो चुकी, अब अंतिम रण का इंतजार। सदन के माध्यम से मैं हमारे 130 करोड़ देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम देश का मस्तक झुकने नहीं देंगे, न ही हम किसी का मस्तक झुकाना चाहते। इस राष्ट्र के प्रति, इसकी सुरक्षा के प्रति हम पूरी तरह से दृढ़ संकल्प हैं। बंदूकों के ट्रिगर पर उंगलियां रखी, टैंकों के मुंह इशारों के इंतजार में, मौसम और दुश्मन दोनों से निपटेंगे। जो कुरुक्षेत्र में अर्जुन का रणघोष था, वो भारत का अब नारा है। न दैन्यम न पलायनम, यानी न किसी तरह की दीनता, न चुनौतियों से भागना। लड़ाई जो नहीं होने से अच्छा है। अच्छा। अगर मजबूर हो गया ना, तब जो हमारा जो देश जो उधर उसके पास है, वो चुपचाप नहीं बैठेगा, अब बाद में देख लेना। चाइना डरता है टिबेट की, जो ये तिब्बत के जो वीर हैं, जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है चाइना, उनसे डरता है। डरते
लद्दाख अगर भारत चीन के बीच कुरुक्षेत्र है तो इसी कुरुक्षेत्र में कौरवों की तरह चीनियों की पराजय का चक्रव्यूह है। देश भले अंधेरा होते ही सो जाता हो लेकिन लद्दाख का कणकण जाग रहा है। दिखाएंगे कि कैसे लद्दाख की धरती से उठ रहा है चीन के लिए तबाही का बवंडर। देश के बाकी इलाकों में तो साल के अंत तक ठंड का मौसम आएगा लेकिन लद्दाख में अगले महीने से ही भीषण ठंड की शुरुआत हो जाएगी, खासकर सरहदी इलाकों में। और कभी भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों देशों की सेनाओं का इस मौसम में तैनात रहना बहुत मुश्किल माना जाता है। बहरहाल भारतीय सेना को इसकी आदत है, चीन को सोचना होगा वो क्या करे। सर्दियों की पूरी रिहर्सल हो चुकी, सर्दियों में संग्राम की तैयारी भी हो चुकी। सर्दियों में चीन को शौर्य के शोले दिखाने का ट्रेलर तैयार है। अब बस चीन की तरफ से पहले हमले का इंतजार। बुजदिल है चीन जिसे घात के लिए सर्दियों की मोटी बर्फीली चादरों का इंतजार। जाबाज है भारत के वीर सपूत जो हर मौसम में दुश्मन से भिड़ने को तैयार हैं। चीन ने गर्मी में गर्दन की हड्डियां तुड़वाई थी, सर्दियों में उसे निश्चित बर्फ का शमशान मिलेगा। तय है कि सदियां याद करेंगी चीन की कि किनसे पाला पड़ा था। ये वो जवान हैं जो -50 से 60 डिग्री की सर्दी का सितम झेल जाते हैं। ये वो जवान हैं जो 20,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फीले तूफानों से भिड़ जाते हैं। ये वो जवान हैं जो संगीन पर माथा धरकर हमेशा के लिए बलिदान तो हो जाते हैं लेकिन बंदूक से उंगलियां नहीं हटाते हैं। चीन सर्दियों में इनकी वीरता का इम्तिहान लेना चाहता है। ऊंचाइयों पर जहां ऑक्सीजन की कमी तथा तापमान शून्य से नीचे है उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आती है और वे सियाचिन, कारगिल और आदि ऊंचाइयों पर अपना कर्तव्य इतने वर्षों से लगातार निभाते आ रहे हैं। क्या सोचा था चीन ने कि झड़पों और बातचीत के प्रलोभनों की आड़ में वो भारत को उलझाए रहेगा और खुद को सर्दियों के लिए मजबूत करके 1962 का विश्वासघात दोहराएगा। एलएसी पर भारत चीन तनाव के बीच अब तक कुल 3 बार फायरिंग की घटनाएं हुई हैं। हालांकि तीनों ही घटनाओं में हवाई फायरिंग हुई थी लेकिन सबसे अधिक 100 राउंड फायर की खबर दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बातचीत से ठीक पहले हुई थी। 29-30 अगस्त की रात जब चीन ने पेंगोंग के दक्षिणी किनारे पर भारतीय इलाके में घुसपैठ की कोशिश की तब भी फायरिंग हुई। साथ ही
7 सितंबर को भारत और चीन के सैनिकों की ओर से हवा में फायरिंग की गई थी। भारत पर अपनी बेशर्मियों का आरोप चीन ने रखना चाहा, लेकिन भारत को अच्छी तरह पता था कि चीन सब में उलझाकर ठंड में युद्ध की साजिशें रच रहा है। भारत ने ऐसा जवाब दिया कि पूरी दुनिया में चीन को कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही जहां वो अपनी कायरता को छुपा सके। चाइना पीएलए के जवान हैं, वो एल्टीट्यूड में जाने से पहले मांगते कहते हैं कि उनको ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, उनकी बैरक के अंदर में एयर कंडीशनिंग होनी चाहिए। और मेरे को बड़ी हैरानी हुई, तो उन्होंने बोला कि आपके जवान क्या मांगते हैं। तो मैंने उनको बहुत ही साधारण तरीके से बताया। मैंने कहा कि देखिए, जो हमारे भारतीय सेना है वो राष्ट्र और समाज की बहुत बड़ी देन है। हमारे जो जवान हैं वो ट्रेनिंग में विश्वास रखते हैं और एक्लिमेटेशन में विश्वास रखते हैं। ईस्टर्न लद्दाख में ठंड के महीने में इतनी बर्फबारी होती है कि बर्फबारी से पहले जो जहां पहुंच गया वहां से टस से मस नहीं हो सकता। यानी भारत ने जिस तरह ऊंची चोटियों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है, उस हिसाब से ठंड के पूरे मौसम में वो चीन के मुकाबले ज्यादा मजबूत स्थिति में रहेगा। अब महत्वपूर्ण चोटियों पर भारत का वर्चस्व कायम है। मैन्युफैक्चरल कंट्रोल पर भारत और चीन के बीच संघर्ष के जो बिंदु बचे हैं उसमें पेंगोंग सो शामिल है। ये धरती पर सबसे ऊंचाई पर स्थित एक झील है, ये खारे पानी की झील है और ठंड के मौसम में इसका पानी बिल्कुल जम जाता है। अब उन परिस्थितियों की जो लड़ाई है, उन परिस्थितियों का जो संघर्ष है, वो समझिए उस तैनाती को। लेकिन भारतीय सेना इसमें पूरी तरीके से सक्षम है। गलवान में टकराव की स्थिति खत्म हो चुकी है, लेकिन कई जगहों पर विवाद की स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। डेप्सांग में चीनी सेना भारत के 5 पेट्रोलिंग पॉइंट्स का रास्ता रोकने की कोशिश में है। गोगरा कोंकाला, जिस इलाके को हॉटस्प्रिंग भी कहते हैं, यहां 2 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर चीन अड़ंगा लगाए बैठा है। पेंगोंग लेक के फिंगर एरिया में भारत पहले फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग किया करता था, लेकिन अब चीन से टकराव के कारण फिंगर 4 के आगे पेट्रोलिंग संभव नहीं हो पा रही है। भारत की संसद के रक्षा मंत्री ने देश की आवाज के तौर पर चीन समेत पूरे विश्व को यह समझा दिया कि भारत के अधिकार पर दुनिया की कोई ताकत अतिक्रमण नहीं कर सकती। दुनिया के किसी भी देश के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कभी कोशिश नहीं की। यदि कोई दुनिया की ताकत हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसे किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार रहे। संघर्ष की स्थिति में सैनिकों को जिन उपकरणों और सामान की जरूरत होती है, लद्दाख की हर पोस्ट पर वो पहुंच चुका है। जो कमी रह जाएगी वो भी जल्द पूरी हो जाएगी। भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर लद्दाख में भारतीय सेना की हर जरूरत का सामान लेकर पहुंच रहा है। चिनूक इन सामानों को फॉरवर्ड पोस्ट तक सप्लाई करने के मिशन में जुटे हैं और फाइटर जेट्स इस मिशन की सुरक्षा में और चीन पर निगाह बनाए रखने में जुटे हैं। एक समय था जब भारत के पास लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक पहुंचने के लिए सड़कें नहीं हुआ करती थी। ये भी बहुत बड़ी वजह है कि चीन क्यों नाराज है हिंदुस्तान से। अगर आप देखें तो इस तरह की सड़कें यहां पर बनी हुई हैं और वैकल्पिक सड़कें बनी हैं और लगातार जो आपूर्ति है वो न सिर्फ सेना की गाड़ियों के जरिए बल्कि सिविल ट्रक्स के जरिए भी सरहदों तक की जा रही है, ताकि ठंड के समय में किसी भी तरह की कमी हमारे जवानों को महसूस न हो। तैयारियां ऐसी हैं कि चीन सिर्फ सर्दियां नहीं पूरे साल लड़ना चाहे तो लड़ ले। हासिल उसे 1 इंच भूमि भी नहीं होनी। उसने जो अतीत में कांटे बोए थे वो अब उसके लिए भाला बन चुके हैं। चीन से बदले का ज्वालामुखी लद्दाख से लेकर तिब्बत तक धधक रहा है। जो स्थानीय लोग हैं वो चीन से बेहद नाराज रहते हैं और इसीलिए हम पराक्रम की ऐसी कहानियां यहां पर देखते हैं जहां पर पूरे के पूरे गांव से लोग भारतीय सेना में शामिल रहते हैं ताकि चीन को सबक सिखा सकें। क्योंकि चीन की जो नजर रहती है वो लोगों की, किसानों की, आम जमीन जिस पर वो अपनी भेड़ बकरियां चराते हैं उस पर भी रहती है। और जो तिब्बत के लोग यहां पर रहते हैं
उनकी तो पूछिए ही मत। जब वो चीन के बारे में बताना शुरू करते हैं कि किस तरह के अत्याचार के कारण उन्हें अपनी मातृभूमि छोड़नी पड़ी थी, तो आपकी आंखें भर आएंगी उस दास्तान को सुनकर। और इसीलिए जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है, जिसमें तिब्बत के जवान शामिल होते हैं, वो दोगुनी आक्रामकता के साथ चीन को सबक सिखाते हैं। ये वो बचपन है जो भारत की मिट्टी में फूल बनकर खिलता है और भारत की मिट्टी में मिल जाने को तत्पर है, लेकिन इसकी जड़ें तिब्बत तक है। चीन ने जमीन के लालच में सिर्फ तिब्बत को नहीं रौंदा, एक पूरी सभ्यता की जड़ें काट दी। वो टीस अंगारे बनकर सीनों में सुलग रही है। ब्लैक टॉप से चीनियों को खदेड़कर भारत ने जो बढ़त चीन पर हासिल की, उसमें तिब्बत के इन जवानों का बड़ा हाथ है, जो भारत की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का हिस्सा है। माउंटेन वॉरफेयर, we are very good. Even V2 parachamps, even like V2 rock climbings, everything we are very good. ये ठंड है ना, हम ये सहन सकते हैं. Even like if it's below minus 40, we can... Minus 40 भी सह लेते. Yeah, सहन लेते. वो छोड़ेगा नहीं, हमें जो जितना आदमी बचेगा तब भी हैंड ओवर नहीं करता है. मतलब अपने आखिरी दम तक आप लोग... हाँ, ये लगता है ना. जाना चाहते हैं फौज में इसमें? बच्चे है, मेरा बच्चे तीन है अभी, तीन है। कहाँ उनको फौज में डालेंगे आप? ऐसे में है, अभी है, अभी है SFF में है। अच्छा, हमारे पास तीन चार चार लड़का चार बच्चे है, सब छोटे लड़की है, ठीक है, तो 12 लड़का तीन है, तीनों फौज में है। चीन ने तिब्बत के लोगों से उनकी जमीन तो छीन ली, लेकिन अंतिम सांस तक चीन से लड़ने का संकल्प नहीं छीन पाए। जो लड़ सकता है वो भारतीय सेनाओं के साथ फ्रंटियर फोर्स के जरिए चीन से लड़ रहा है। जो अब खुद नहीं लड़ पाता, वो अपने बच्चों को चीन की तबाही का हिस्सा बनने के लिए फोर्स में भेज रहा है। ये बोल रही है कि जब वहाँ पर हालात ख़राब हो गया तो इनका फैमिली वैमिली सारे थे, मगर इनको वहाँ से भागना पड़ा, क्योंकि उस वक्त फैमिली छोड़ के भागना, फैमिली छोड़ के भागना पड़ा, ये अकेला यहाँ पर आया। तो अभी थोड़ा ये इमोशन भी है अपनी, जब फैमिली की बात करते हैं, को छोड़ के वहाँ से इसको भागना पड़ा, क्योंकि वो उसका जवान था, तो जवान लोगों को ज्यादातर चाइनीज आर्मी ढूंढते थे, जवान लोगों को चाइनीज आर्मी ढूंढती थी ताकि उन्हें मार दे। हाँ। इसीलिए अपनी जान बचाकर अपना सब कुछ वहाँ पर छोड़ कर आना पड़ा। वो भी वहाँ पर था, सारा परिवार के साथ ये लोग आया, परिवार में इसका माँ था और इनका भाई था जी। इन आंसुओं का हिसाब तो चीन को देना ही होगा, इन अभिशापों की आग में तो चीन को सुलगना ही होगा। भारत से भिड़ने के ख्वाब देख रहे चीन को मालूम ही नहीं कि ये सूनी आंखें, ये कप कपाते हाथ चीन से जिस आजादी का ख्वाब देख रहे हैं, भारत से भिड़ने की जुर्रत जुटा रहा चीन उसी का रास्ता खोल रहा है। बातचीत पे बातचीत, बातचीत पे बातचीत, बातचीत पे बातचीत, लेकिन कोई नतीजा नहीं। चीन अपनी तरफ से जितनी बार भी बातचीत की मेज पर आता है, जो वादा करता है वो कभी नतीजों में तब्दील नहीं होता। इसीलिए आने वाली तारीखों में भी अगर बातचीत की कोई बात होती है तो उसमें सिर्फ एक स्तर की बातचीत से थोड़ी सी उम्मीद जगती है, वो ये है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करें चीन के शी जिनपिंग से, क्या ये बातचीत होगी, और अगर होगी तो क्या वहीं से निकलेगा नतीजा। सैन्य स्तर की बातचीत बेनतीजा। विदेश मंत्री स्तर की बातचीत बेनतीजा। क्या मोदी जिनपिंग मिले तो बनेगी बात? SCO की मॉस्को में मीटिंग के लिए जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर निकले तो एक बात ये भी निकली कि मौजूदा तनाव को खत्म करने के अंतिम विकल्प के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात भी जल्द हो सकती है।
एक बार तो मान भी लिया जाए कि मीटिंग आने वाले दिनों में हो सकती है, लेकिन क्या उससे सरहद का तनाव खत्म होगा, इस निष्कर्ष पर पहुंचना आसान नहीं है। जिनपिंग की नीयत ठीक नहीं है और प्रधानमंत्री मोदी का मुंह। लेह लद्दाख से लेकर करगिल और सियाचिन तक, रेजांगला की बर्फीली चोटियां से लेकर गलवान घाटी के ठंडे पानी की धारा तक, हर चोटी, हर पहाड़, हर जर्रा जर्रा, हर कंकड़ पत्थर भारतीय सैनिकों के पराक्रम की गवाही देते हैं। मामल्लपुरम में जब प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग दोनों मिले थे तो वो उनकी 18वीं मुलाकात थी। दोनों नेताओं की डिप्लोमेटिक केमिस्ट्री दुनिया भर में चर्चा का विषय थी। तब जो शांति और सहभागिता के जो नियम तय हुए थे वो सब भंग हो चुके थे। लद्दाख में चीन की हरकत ने भारत का भरोसा खो दिया। चीन को हैंडल करने के अभी तक भारत के अलग अलग तरीके रहे हैं। इसमें चाइना अभी तक आक्रामक होता था, अग्रेसिव होता था, भारत कुछ हद तक बातें मानने की दिशा में दिखता था, लेकिन इस बार जो नया आक्रामक हिंदुस्तान है उसे देखते हुए चीन बहुत घबराया हुआ है। भारतीय सैनिक जो है उन्होंने मुश्किल चढ़ाइयों को चढ़ते हुए ऊंची ऊंची चोटियों पर अपना नियंत्रण कर लिया है और रच दिया है एक ऐसा चक्रव्यूह कि उसमें से चीन के लिए निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लद्दाख में भारतीय सेना के निशाने पर है हर चीनी चाल। नई दिल्ली से चीन की पूरी हेकड़ी पर निशाना है। रणभूमि में रणबांकुरे डटे हैं और कूटनीति की जमीन पर भारत चीन के विस्तारवाद की रेखा को मिटाने की तैयारी कर चुका है। नई दिल्ली में जल्द ही क्वाड यानी भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्रियों की मीटिंग हो सकती है और यहीं से निकलेगा चीन को अंतिम शह और मात का अल्टीमेटम। लद्दाख क्षेत्र में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पहाड़ियों पर भारत के नियंत्रण ने चीनी दुस्साहस को सदमे में डाल दिया है और ये भारत का साहस ही है कि जिस अक्षय चिन्ह को चीन अपनी विस्तारवाद की जीवन रेखा मानता है, भारत की संसद में वो भारत के स्वाभिमान के तौर पर गूंजने लगा है। चाइना लद्दाख में भारत की लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि का अनधिकृत या कब्जा किए हुए है। इसके अलावा 1963 में एक तथाकथित बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की 5,880 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय जमीन अवैध रूप से चाइना को सौंप दी है। चाइना अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे हुए लगभग 90,000 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय क्षेत्र को भी अपना ही बताता है। चीन इसे भारत के सब्र और संयम की अंतिम चेतावनी ही समझे कि लद्दाख संघर्ष की कीमत उसे अक्षय चिन्ह तक चुकानी होगी। भारत ने फिर भी चीन को समय दिया कि वो शायद प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग की मुलाकातों का कुछ भरम रखेगा और अपनी जिद से पीछे हटेगा। ऐसा हुआ नहीं और अब भारत की बारी। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया।
विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हो गया है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं सैनिकों के कैंप में पहुंचे थे, उनसे बातचीत निम्मू में की थी और यहां से जो संदेश उनका निकला था वो भारत के सैनिकों की हौसला अफजाई के साथ साथ हमारे दुश्मनों तक भी पहुंचा था, जहां पर हमने संयम का जिक्र तो किया लेकिन साथ में सुदर्शन चक्र की भी बात कर दी थी। ये भारत का संस्कार है जो शौर्य का सम्मान करना जानता है। चीन ने गलवान में अपने जवानों की मौत को सम्मान तो दूर, स्वीकारने तक से मुंह छिपाए रखा। जब भारत की संसद से सच बाहर निकला तब चीनी भोपू ग्लोबल टाइम्स ने चीनी कायरता का अर्ध सत्य स्वीकार किया। जहां तक मुझे पता है, गलवान घाटी की झड़प में चीनी सेना में मरने वालों की संख्या भारत के 20 के आंकड़े से कम थी। इतना ही नहीं, कोई भी चीनी सैनिक भारत ने बंदी नहीं बनाया था, बल्कि चीन ने भारत के सैनिकों को बंदी बनाया था। दरअसल चीन का पूरा चरित्र ही खोखली धारणाओं से बना है। वो घिसी पिटी मान्यताओं के आधार पर नए भारत को दबाव में लेना चाहता है। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह चीन दशकों बाद भी अपनी सोच नहीं बदल पाया। इन दिनों लद्दाख में फिंगर फोर की एक पोस्ट से चीन पंजाबी गाने बजा रहा है। चीन सोच रहा है कि भारतीय जवान उसके इस ट्रैप में फंस जाएंगे। उसे शायद अंदाजा नहीं कि भारत 1962 से ही उसकी इन चालों को अच्छी तरह समझता है। क्या अनाउंसमेंट करता था चाइनीज वॉर से पहले? वॉर से पहले ये करता था, वो पहले तो गाना सुनाता है, उसके बाद बोलते हैं ये जमीन हमारा भी नहीं, आपका भी नहीं, अपना अपने जगह पर वापस जाओ। और हमारी जमीन पर आकर वो ये गाने बजाते हैं। वो उनका गाड़ी चल के वो बोलता है। हिंदी फिल्म का गाना बजता था? बजता तो था। वही फिल्म का। चीन लाउडस्पीकर का प्रयोग साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तहत दुश्मन का मनोबल गिराने के लिए करता है। चीन ने फिंगर फोर के इलाके में या फिर मालू कैंप के इलाके में लाउडस्पीकर के द्वारा हिंदी में भाषण देने या पंजाबी गीत लगाने का सोच ठान ली है, जिससे कि उसे लगता है कि हिंदुस्तान की फौज का मनोबल गिर जाएगा, हिंदुस्तान की फौज अपने काम से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। ये चीन ये बौखला गया है, चीन को लगता है कि अब हिंदुस्तान की फौज उसे टक्कर देने के लिए तैयार है, तो वो घबरा गया है, तो ये इस तरह के हथकंडे अपनाता है। यही चीन का सच है। 1962 में भी वो गाने बजाकर भारतीय जवानों से संवाद की कोशिश करता था और अंत में उसने पीठ में छुरा घोंप दिया। इस बार भी वो जिस फिंगर फोर की पोस्ट से गाने बजा रहा है, ये वही जगह है जहां 7 सितंबर को हवाई फायरिंग हुई थी। चीनी रेड आर्मी के सारे दांव भारत के जाने बूझे हुए हैं। भारत को पता है कि वो सरहद पर इस तरह की नौटंकियां करता है, अंधेरों में उकसावे की हरकतें करता है और उसका सरकारी तंत्र झूठ की बुनियाद पर दबाव बनाने की कोशिशें करता है। ये जरूरी है कि भारत अपनी गलतियों को सुधारे, जितनी जल्दी हो सके अपनी सेनाओं को कम करे और बॉर्डर पर तनाव कम करने के लिए सही कदम उठाए। शांति की अपील करने वाला चीन सरहद पर लगातार सैन्य जमावड़ा बढ़ाता जा रहा है, युद्धाभ्यास कर रहा है और तनाव कम करने की नसीहत भारत को दे रहा है। चीन सोचता है भारत ये समझता नहीं, जबकि भारत ये सोचता है कि चीन को अभी भारत की ठीक से समझ ही नहीं।
एक्चुअल कंट्रोल पर जो संघर्ष चल रहा है उसका फायदा उठाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। इस साल में सिर्फ 9 महीने बीते हैं, लेकिन पिछले 17 सालों में जितना एक साल के भीतर सीज फायर वायलेशन नहीं होता था, 9 महीने के भीतर पाकिस्तान ने कर दिया। एलएसी पर चीन से खुला टकराव है तो एलओसी पर पाकिस्तान से भी नजर हटी नहीं है। सैन्य तैयारियां पूरी हैं तो एलओसी पर लगे लोगों के जीवन रक्षा के प्रबंध भी अंतिम चरण में है। हमने एलओसी पर जाकर भारत के बंकर प्लान को भी जानने की कोशिश की। जिस इलाके में हम इस समय मौजूद हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है, जो खतरे लाइन ऑफ कंट्रोल पर आमतौर पर रहती हैं वही रहती हैं। और ये नॉर्मल एक ड्रिल है कि अगर किसी भी तरीके से खतरा हो, आरटी शेलिंग शुरू हो जाए अचानक, जो कि सामान्य है यहां पर, तो यहां बंकर में इन्हें तेजी से पहुंचना है। पाकिस्तान की हरकतें एलओसी पर हमेशा से तनाव बढ़ाने वाली रही है, कभी शेलिंग तो कभी बेवजह फायरिंग। मजबूत बंकर्स की बहुत जरूरत होती थी ताकि एलओसी से सटे गांवों के लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। केंद्र सरकार ने 14,000 निजी और सामुदायिक बंकर्स निर्माण की योजना को मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद ये काम तेजी से शुरू हुआ। जो सरपंच भी हैं इस गांव के, वो हमारे साथ हैं। आखिरकार ये निर्माण शुरू हो ही गया। बिल्कुल मैम, इसके लिए हम गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जिन्होंने इस फार फ्लंग एरिया में ये कम्युनिटी बंकर तैमीर करने का जो शुरू किया काम, इसके लिए हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। पर कितने ये आपके गांव की पॉपुलेशन है, क्योंकि आपका गांव बहुत बड़ा है यहां पे, और कितने बंकर आपको मिल रहे हैं? जो मेरा गांव है मैडम, ये कम से कम 7 किलोमीटर के ऊपर है। हाँ। और इसकी आबादी कम से कम 3,000 की है। अच्छा। तो इसमें अभी हम 6 बंकर बनाने जा रहे हैं। हाँ। तो जिसमें से 5 तो कंप्लीट होने जा रहे हैं, तो अभी एक का थोड़ा हमें लैंड इशू है, वो भी हो जाएगा। एक बंकर में कितने लोग एक समय में? तो मुझे लगता है 50 से 60 आदमी तो आराम से आ जाएंगे। कम से कम एक जगह हो गई आप लोगों के? बिल्कुल 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 बिल्कुल, एक जगह राहत महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक जिस तरह की यहाँ पर शेलिंग चलती थी, उसमें कितना खतरा रहता था, क्या नुकसान आप लोगों ने देखा है अपनी जिंदगी? हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारी बहनों का बहुत यहाँ नुकसान हुआ है। हाँ। आज से पहले, आज हम गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें ये बिंकर्स मिल गए। चीन से युद्ध की स्थिति का पाकिस्तान एलओसी पर फायदा उठाने की निश्चित कोशिश करेगा, ऐसे में ये बंकर बहुत काम आएंगे। जहां पर हम खड़े हैं इस समय, ये तो पूरा भारत का इलाका अगर आप देखते हैं, तो सीधे पीछे आपको पाकिस्तान का वो अनाधिकृत क्षेत्र दिखता है, जिसे हम POK के तौर पर जानते हैं। बीच से गुजरती है लाइन ऑफ कंट्रोल की वो कांटेदार तार, यानी ये समूचा वो क्षेत्र है जहां फौज को ये भी देखना होता है कि किसी भी तरह की कोई घुसपैठ ना हो। एलएसी की मौजूदा परिस्थितियों पर हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। बाकर चो और कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।